जैसे कि आपने पूरा मंदिर देख लिया है, तो अब हम यहाँ पे प्रभु श्री से बात करेंगे और पूछेंगे उनके बारे में कि क्या है मंदिर का इतिहास, और जानेंगे उनके विषय में भी। तो सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। हाँ, मेरा नाम गौर हरिदास है और मैं पिछले 15 सालों में इस्कॉन में अपनी सेवाएं जो है वो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम अलग अलग सेवाएं जो है वो हमारी भक्तों की बटी हुई है। हम यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी उनकी हम यहाँ पे सेवा करते हैं, पुजारी की सेवा भी चलती है। और मुख्य जो इस्कॉन का जो कार्य है वो इस जन समुदाय को, इस समाज को भगवान के प्रति बताना, क्योंकि इस संसार में सभी लोग जो हैं वो भगवान के बारे में नहीं जानते। तो इस्कॉन का जो प्रमुख कार्य है भगवत गीता और भागवतम के अनुसार लोगों को ज्ञान बांटना और अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना। तो इस कार्य में हम कार्यरत रहते हैं और हम ज्यादा लोगों के पास जाते हैं। और हमारे यहाँ पे भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे रविवार को संडे फीस्ट का प्रोग्राम चलता है, उसमें हम शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक प्रोग्राम होता है, जिसमें भगवान का कीर्तन होता है, आरती होती है, फिर कथा होती है भगवान की लीलाओं के ऊपर, भगवान के गुणों के ऊपर, फिर उसके बाद प्रसाद होता है। तो ये सारा प्रोग्राम जो है 7 बजे से लेके 9 बजे तक चलता है। और साथ साथ कई क्लासेस होती हैं, जिसमें विशेष तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि आज के समय में बच्चों को अच्छे संस्कार का बहुत अभाव है। तो इस्कॉन ने एक इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें इस्कॉन जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए वो उनको शिक्षाएं देते हैं, क्लासेस ओपन करके। जैसे हमने एक क्लास का नाम रखा है प्रहलाद स्कूल, तो वो क्लास जो है 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलती है। और उसमें एक और भी बहुत अच्छी बात है कि जैसे माता पिता आते हैं तो माता पिता के लिए अलग क्लास होती है, संडे का जो जनरल प्रोग्राम होता है वो उसमें बैठ जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो प्रहलाद स्कूल क्लास जो है वो उसमें बैठ जाते हैं। और इसके अलावा हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है कि जो गृहस्थी लोग हैं, जो फैमिली वाले लोग हैं, वो भगवान की भक्ति अपनी फैमिली में रहकर कैसे करें, क्योंकि भक्ति की जो लहर है वो उसमें भी ट्रेनिंग चाहिए। जैसे इस संसार में हर कार्य के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको इंजीनियरिंग लाइन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो, डॉक्टरी करना चाहते हो तो उसकी। लाइकवाइज भक्ति मार्ग जो है वो भी बहुत सूक्ष्म मार्ग है और इसमें भी हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए हमने एक विशेष प्रोग्राम रखा है जिसको कहते हैं भक्ति वृक्ष। तो उसकी हम 3 क्लासेस लेते हैं, एक सैटरडे को लेते हैं, शनिवार को लेते हैं और 2 संडे को लेते हैं, एक शाम को 6 से 7 और एक 7 से 8। और सैटरडे को जो है वो 7 से 8। और उसके बाद भी हमारी हर क्लास के बाद हम भगवान का प्रसाद जो है वो भी देते हैं। इसके अलावा हमारी एक क्लास चलती है गुरुवार को, और वो भगवत गीता की क्लास होती है, और जिसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं कि भगवान की वाणी जो भगवत गीता है, जो भगवान ने 5200 ईयर्स अगो जो है हम लोगों के लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थली पे अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए ज्ञान दिया, और उसका मेन जो पर्पस है कि हम सभी के जीवन में शांति आए, सुख आए। तो ये सारे प्रोग्राम जो है ये हमारे चलते हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ सोशल एक्टिविटीज जो है वो करते हैं, जैसे हमारी गौशाला है जिसमें 20 से 25 गायें हैं। कहते हैं कि अगर संसार में गायें बढ़ेगी तो संसार में अगर गायों की वृद्धि होती है तो संसार में सुख आता है, संसार में शांति आती है। अगर गाय के ऊपर अत्याचार होता है तो संसार में कष्ट आता है। तो संसार में इतने कष्ट बढ़ रहे हैं, इतने दुख आ रहे हैं, उसका कारण यह है इतनी हजारों लाखों गायों को मारा जा रहा है। तो हमारा एक प्रयास है लोगों को गाय की इंपॉर्टेंस बताना। जैसे गाय के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और अगर कोई व्यक्ति नियमित तौर पे अगर गाय की सेवा करता है, गाय की पूजा करता है, तो उसके जो ग्रह हैं वो भी शांत हो जाते हैं। तो हम गौशाला की भी हम ऐसे सेवा देखते हैं। फिर हमने एक गेस्ट हाउस, एक आश्रम जो है वो बनाया, तो इसमें भी लोग जो है अगर भक्ति करना चाहते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम है, वो हमारे पास आके रह सकते हैं, निशुल्क रह सकते हैं, हम उसके चार्जेस नहीं लेते, अगर वाकई में अगर कोई भक्ति करने का किसी का उद्देश्य है। तो ऐसे हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, उसमें ऐसे हम कार्यरत। अच्छा, जो बच्चों के बारे में आपने बताया कि संस्कार का सिंचन के लिए आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं 3 दिन का,
इसमें ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा आ सकता है या फिर जो आपके इस ग्रंथ से जुड़ा है उसी को आप एंट्री देते हैं? नहीं, हमारे जितने भी प्रोग्राम है उसमें हम कोई जाति, कोई वर्ण या कोई सामाजिक, कोई किसी की, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, तो हमने कोई इस तरह से किसी को बांटा नहीं है। कोई भी जाति का, कोई भी वर्ण का या कोई भी किसी का कैसा भी स्टेटस है, हर व्यक्ति जो है वो मोस्ट वेलकम है। अच्छा, ओपन है सभी के लिए। अच्छा, आप लोग का कितने मेंबर हैं? आप लोग जो भी हम लोग यहाँ पे 10 भक्त हैं, 10 ब्रह्मचारी हैं जो फुल टाइम भगवान की सेवाओं में कार्यरत हैं, और वो निशुल्क है, निष्काम सेवा करते हैं, कोई पैसे कोई सैलरीज जो है वो नहीं देते। मंदिर का निर्माण कब हुआ उसके बारे में कुछ? मंदिर का जो निर्माण हुआ इसकी जो हिस्ट्री है 2011 में, 2011 में इसका हमने स्टार्टिंग किया, और फुल फ्लैज जो अभी आप मंदिर देख रहे हैं ये 2016 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। तो आप 2016 से यहीं पे कार्यरत हैं? मैं 2016 से नहीं, मैं 2018 से यहाँ पे आया। इससे पहले आई बिलोंग टू अमृतसर, तो अमृतसर में हम इस्कॉन में कार्यरत थे, वहाँ पे सेवाएं देते थे। तो लास्ट 15 ईयर से हम ये सेवाओं में लगे हैं, तो अभी पिछले 3-4 साल से हम यहाँ पे सेवाएं जो है देते हैं। अच्छा, अभी हम जानते हैं कि जो हमारा ये धर्म है वो वर्ल्ड लेवल पे सब जगह मंदिर बन गए, तो आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे, टाइप कैसे रहते हैं? देखें, इस्कॉन जो है इस्कॉन हर चीज जो लेके चलता है बड़ा सिस्टमेटिकली लेके चलता है, भावुकता से नहीं लेके चलता। भावुकता का एक अपना स्थान है और एक सिस्टम को, एक ट्रेनिंग को फॉलो करना उसका अपना स्थान है। देखो, इस्कॉन का हर कार्य के लिए अलग अलग उसके डेजिग्नेशंस हैं। अच्छा, अलग अलग उसके लेवल्स हैं। जैसे इस्कॉन में अगर किसी ने बुक्स के रिलेटेड कुछ कार्य करना है, कुछ सेवाएं देनी है, तो उसके लिए एक अलग BBT है, भक्ति विधान बुक ट्रस्ट। अच्छा, और अगर किसी ने यूथ के लिए कोई सहयोग करना है, यूथ आज के समय में मिसगाइड हो रहे हैं, उनको गाइडेंस देनी है या उनकी ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके लिए इस्कॉन की एक यूथ फोरम है। तो इस्कॉन ने क्या किया है, सभी टेम्पल को कनेक्ट किया है, और एनुअली इस्कॉन क्या करता है, जैसे अगर किसी ने यूथ के बारे में नॉलेज लेनी है तो उसकी एक जगह पे इस्कॉन क्या करता है, पूरे इंडिया से यूथ ब्रह्मचारी जो हैं अलग अलग टेम्पल से उनको मेल भेजता है और उनको 3-4 दिन का उनका एक प्रोग्राम रखता है। ऐसे ही सभी मंदिर एक ही डायरेक्शन में चले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही डायरेक्शन में सभी मंदिर्स को चलाने के लिए, उसके लिए इस्कॉन क्या करता है, सभी इस्कॉन प्रेसिडेंट जो हैं उनको मेल भेजते हैं और उनकी मीटिंग करते हैं। आप लोग का कोई ऐसे प्रमुख स्थान है जहाँ पे आपको एंड ऑफ द ईयर या फिर कुछ सबमिट करना पड़ता है, फिर कुछ ऐसा? इस्कॉन जुहू बॉम्बे जो है वो, उसको एक हेडक्वार्टर कहा गया है। अच्छा, उसको ऑफिस कहा गया है, और वहाँ हमें जो भी अपने अकाउंट्स, जो भी ऑडिटिंग वगैरह जो भी, वो सारा हमें वहाँ पे डिपॉजिट कराना होता है। और इसके अलावा मायापुर भी जो है वो भी हमारा एक प्रमुख स्थान है, और एक वृंदावन जो है वो भी है, लेकिन जो हमारी ऑफिशियल जो डिटेल्स है वो हमें इस्कॉन जुहू में हमें सबमिट कराना है। अच्छा, मेहसाना में थोड़े दिन पहले अभी वो जगन्नाथ यात्रा निकली थी, हाँ, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो, जगन्नाथ रथ यात्रा का जो फेस्टिवल है वो बड़ा हिस्टोरिकल फेस्टिवल है, और इसका उद्देश्य जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही शुभ है। इसकी कई कथाएं आती हैं, लेकिन इसकी मैं एक शॉर्ट में एक कथा डिस्कस करूंगा कि एक बार भगवान जो थे जब वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए, तो उसके बाद भगवान जब कुरुक्षेत्र आए तो ब्रजवासी जो थे उनको पता चला कि कृष्ण जो है वो ऐसे कुरुक्षेत्र आए हैं, तो ब्रजवासी जो है उनके अंदर तो एक स्पॉन्टेनियस लव है कृष्ण के प्रति, एक प्रेम है, नेचुरल प्रेम है। तो जब भी वो कृष्ण के विषय में सुनते हैं तो वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो वो सभी ब्रजवासी जो थे वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान रथ के ऊपर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इतने प्रेम में आ जाते हैं कि वो घोड़े खोल देते हैं, रथ के पहिए खोल देते हैं, और भगवान को ऐसे ही वो खींच के लेके जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए भगवान प्रेम से खींचे चले जाते हैं।
भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कंट्रोल में आ सकते हैं। भगवान को किसी शक्ति के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते, भगवान को धन के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते, भगवान को सुंदरता कंट्रोल में नहीं कर सकती। भगवान सिर्फ एक ही चीज से अट्रैक्ट होते हैं, हमारे भाव से, हमारी भक्ति से। तो इसलिए ब्रजवासियों से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, जैसे वो रथ को खींच के गए, तो ऐसे ही जगन्नाथ भगवान जो है ये भी कृष्ण भगवान का ही एक भाव का एक रूप है, प्रेम का एक रूप है। तो भगवान को जब हम ऐसे ही खींच के लेके जाते हैं जैसे ब्रजवासियों ने खींच के लेके गए, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में जगन्नाथ रथ यात्रा जो है अलग अलग जगह पे बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और कहा जाता है कि अगर कोई भगवान के रथ को खींचता है तो उस व्यक्ति का उद्धार जो है वो निश्चित है। इसलिए हम साल में एक बार भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते मैं उनके पास जाता हूँ। और जब लोग उत्सुकता के साथ अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, जगन्नाथ जी आ गए, अपने ऑफिस का दरवाजा खोलते हैं और भागे भागे उत्सुकता के साथ आते हैं, जैसे हमने मेहसाना में देखा था लंबी लंबी लाइंस लगी थी और लोग बड़े उत्सुकता के साथ वेट कर रहे थे कि जगन्नाथ जी, और जैसे जगन्नाथ जी आए लोग एकदम पागल मंत्र मुग्ध, तो भगवान उन लोगों का भी उद्धार चाहते हैं। भगवान तो हमेशा हम सभी जीवों के वेल विशर है, लेकिन व्यक्ति कई बार खुद ही अपना उद्धार नहीं करना चाहता। भगवान फिर भी कहते हैं अगर वो कोई व्यक्ति मंदिर नहीं आ सकता तो मैं ही उसके पास आता हूँ, इसलिए भगवान एक दिन बाहर निकलते हैं। या ऐसे मुझे पहले अहमदाबाद में होता था तो लोग ऑनलाइन वॉच करते थे, इवन लास्ट ईयर यहाँ पे हुआ, तो इस साल भी होने वाला है कुछ ऐसा, कुछ हमने प्रोग्राम किया नहीं इस साल, तो ऑलरेडी हो चुका है हमारा, अभी नेक्स्ट ईयर हमारा 23 अभी नेक्स्ट ईयर जुलाई में होगा। अच्छा, जो भी डेट्स आएंगी उसमें हमारा, पर आप लोग ने मन बना लिया इस बार भी? हाँ, एवरी ईयर, पिछले 2 साल जो कोरोना हुआ था, कोरोना पीरियड में 2 साल उसके कारण तो आप जानते हैं कि पूरी मार्केट डाउन, सब कुछ बंद, तो नहीं हो पाया, और जो रश है वो भी अलाउड नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। तो अदरवाइज तो हमारा हर साल जो है बड़ी धूमधाम के साथ इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाता है। आप अभी हमको आपके प्रोग्राम जो संस्था के द्वारा चलाए जाते हैं उसके बारे में कुछ देखें। इस्कॉन तो वैसे तो हर महीने इस्कॉन के कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलते हैं, लेकिन जो मेन प्रोग्राम है जिसमें फुल गैदरिंग आती है और बहुत ही धूमधाम के साथ जिनको सेलिब्रेट किया जाता है, वो 3 प्रोग्राम है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा होलियों में होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च के महीने में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, जिसका नाम है गौर पूर्णिमा। तो गौर पूर्णिमा का मतलब जिसमें गौर भगवान चैतन्य महाप्रभु 532 साल पहले वेस्ट बंगाल में नदिया ग्राम में आए, और इस अवतार को कहा जाता है कि ये राधा और कृष्ण की मिक्स फॉर्म है। अच्छा। राधा रानी के भाव में आए और कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, जैसे कृष्ण भगवान के अलग अलग अवतार है, राम है, नरसिंह है, तो वैसे चैतन्य महाप्रभु जो है गौर हरि जो है ये भी कृष्ण भगवान का ही एक अवतार है, लेकिन इसमें भगवान राधा रानी के मूड में आए कि राधा रानी मेरी भक्ति किस मूड में करती है। तो इसलिए भगवान जो है उनका प्राकट्य होता है पूर्णिमा वाले के दिन, इसलिए गौर पूर्णिमा। गौर महाप्रभु का नाम है, चैतन्य महाप्रभु का नाम है, और राधा रानी के भाव में आए इसलिए वो गौर वर्ण में आए। गौर वर्ण का मतलब व्हाइट कॉम्प्लेक्शन। वैसे तो कृष्ण के बारे में कहा जाता है श्याम सुंदर, श्याम वर्ण के, श्याम कलर, ठीक है, लेकिन गौर वर्ण जो है वो राधा रानी है। गौर मतलब जिसे हम गोल्ड जैसे है, सोना है, उसको तपाया जाता है, तो वो कलर जो है वो राधा रानी का कलर है, तो इसलिए इसको गौर पूर्णिमा कहा जाता है। तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, गौर पूर्णिमा महाप्रभु का जो बर्थ होता है, भगवान अपीयर करते हैं, प्रकट होते हैं, तो उसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शाम तक भक्त लोग जो है वो व्रत रखते हैं जब तक पूरा चंद्र जो है वो निकल नहीं आता, और भगवान का अभिषेक किया जाता है, कथा होती है, फीस्टिंग होती है, तो धूमधाम से इस प्रोग्राम को किया जाता है। इसके बाद सेकंड प्रोग्राम हमारा जुलाई के महीने में जो जगन्नाथ रथ यात्रा का होता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। वो प्रोग्राम जो है वो 2 दिन का होता है, जिसमें हम एक दिन पहले रात को महाआरती होती है, जिसमें जितने भी डोनर्स होते हैं जिन्होंने इस कार्य में सेवारत होते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करना होता है उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है, तो रथ यात्रा में भी हमारा 5-7 लाख का जो है वो बजट होता है, तो उसको हम थोड़ा सेवाओं के माध्यम से लेते हैं, और जो लोग भी इसमें सेवाएं करते हैं धन की या और कोई भी जो सेवा करते हैं उनको एक दिन पहले हम मौका देते हैं कि वो पूरी फैमिली के साथ आके जगन्नाथ जी की आरती उतारते हैं।
तो उसको कहा जाता है महाआरती का प्रोग्राम, और उसमें भी प्रसाद होता है, रात को प्रोग्राम होता है 7 से 9, और उसके बाद अगले दिन जो है वो दोपहर को रथ यात्रा निकाली जाती है। और उसमें भी रथ यात्रा में अलग अलग जगह पे स्टॉल लगे होते हैं, कुल्फी के लगे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लगे होते हैं, मेले का माहौल होता है, बहुत ही मजा आता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो कहेगा कि मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को आनंद नहीं आ रहा। और उसके एंड में भी लोग प्रसाद लेते हैं, और इवन लास्ट टाइम जो था 5-6 हजार लोगों ने प्रसाद लिया था। अच्छा, तो फुल प्रॉपर अच्छे अरेंजमेंट होते हैं। तो ऐसे ये रथ यात्रा का भी इस्कॉन का हमारा बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होता है। और उसके बाद थर्ड एंड फाइनल जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है। जैसे हम सभी को पता है कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव जो है पूरे भारतवर्ष में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, इसके बारे में तो ज्यादा एक्सप्लेन हम कर भी नहीं सकते। तो जन्माष्टमी का प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और बहुत अच्छी डेकोरेशन टेम्पल में की जाती है, और इसमें 10 से 15 हजार लोग जो है वो हमारे टेम्पल में विजिटिंग होती है, और सुबह से ही विजिटिंग स्टार्ट हो जाती है। 4:30 बजे मंगल आरती से विजिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और सारा दिन जो है लोग आते हैं, और इस दिन भक्त लोग जो है सारा दिन व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। अच्छा। रात के 12 बजे तक। देखो भगवान के कार्यों में जैसे गौर पूर्णिमा में शाम तक व्रत रखते हैं निर्जला, तो भगवान के फेस्टिवलों में व्रत रखने का क्या महत्व है कि भगवान इस संसार में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, हमारे कष्ट समाप्त करने के लिए भगवान कष्ट लेते हैं संसार में। तो भक्त लोग जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि भगवान ने हमारे लिए कष्ट लिया, तो इसलिए हम भी भगवान के लिए कुछ तपस्या कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान का जब तक प्राकट्य नहीं होता, जिस टाइम पे भगवान आते हैं उस टाइम तक भक्त लोग जो है व्रत रखते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जो है रात को 12 बजे उनका जन्म होता है, प्राकट्य होता है, तो भक्त लोग भी रात के 12 बजे तक जो है वो निर्जला रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो शाम को जब चंद्र उदय होता है, फुल मून होता है, तब तक भक्त लोग व्रत रखते हैं। लेकिन रथ यात्रा का जगन्नाथ जी जो है खूब खाते हैं, खूब खिलाते हैं, उसमें कोई व्रत नहीं। उसमें तो जगन्नाथ जी जहां होते ना वहां तो कोई भूखा रह नहीं सकता। खूब भगवान 56 भोग 108 भोग लगते हैं, और कहते खूब मजे करो, खूब आनंद लो मेरी लीलाओं में और मेरे कीर्तन में। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं। तो जन्माष्टमी में रात के 12 बजे तक व्रत होता है, उसमें ड्रामा होता है, कीर्तन होता है, उसमें कई स्कूल के बच्चे आते हैं, वो अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, बहुत भव्य कीर्तन, बहुत अच्छी सजावट होती है टेम्पल में, और ढेरों लोग जो है वो भगवान का आशीर्वाद लेने, कृपा लेने के लिए आते हैं, और भगवान का अभिषेक होता है, जो डोनर्स होते हैं वो भगवान का अभिषेक करते हैं। तो इस तरह से प्रमुख जो हमारे इस्कॉन मेहसाणा के जो प्रोग्राम है 3 होते हैं, गौर पूर्णिमा जो मार्च के मास में प्रोबेबली आती है, फिर उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा जो जुलाई के महीने में होती है, फिर उसके बाद जन्माष्टमी अगस्त सितंबर जिसमें मास में आती है। तो ये प्रमुख 3 प्रोग्राम करते हैं, और इसके अलावा हर महीने कुछ ना कुछ छोटे बड़े प्रोग्राम जो है वो हमारे चलते रहते हैं। जैसे दिसंबर के महीने में हम गीता मैराथन करते हैं, गीता जयंती, जैसे कल के दिन गीता जयंती गई 3 तारीख को, तो गीता जयंती में भी हम प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके लोगों को गीता की इम्पोर्टेंस जो है ये सारा कुछ बताते हैं। एक तथ्य उजागर कीजिएगा, एज ए हिंदू तो हम जब माथा टेकते हैं तो मंदिर में सामने की ओर टेकते हैं, पर यहाँ पे आप ऐसे एक कॉर्नर क्रिएट करते हैं, तो इसके एक दो कारण है। बहुत लोग जो है वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे प्रमुख कारण इसका है, एक ये है कि हमने भगवान को अपने समक्ष देखा नहीं, हमने भगवान को समझा नहीं है, हम भगवान को जानते नहीं है। हम भगवान को जानते हैं गुरु के माध्यम से, अच्छा, संतों के माध्यम से, ठीक है। जैसे संसार में कोई भी काम होता है गुरु के माध्यम से होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट भगवान को इसलिए नहीं करते क्योंकि हम नहीं जानते भगवान कौन है, कैसे हैं। तो हम इनडायरेक्ट भगवान को, जैसे भगवान सामने है तो हम भगवान को ऐसे प्रणाम करेंगे, जैसे सामने है तो हम ऐसे प्रणाम भगवान को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु के माध्यम से। अच्छा, वो एक पंक्ति है, गुरु गोविंदो ने मिले केवल आगे उपाय, बलिहारी गुरु अपने गोविंद ये बताए, दियो मनाए, दियो बताए। तो इसी तरह कुछ आप भी कहना चाह रहे हैं गुरु के माध्यम, गुरु के माध्यम, गुरु के माध्यम से, कि गुरु के माध्यम से ही हमें भगवान मिलते हैं। तो ये है इसका। ठीक है, एक और मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर मेरा नॉलेज कम हो तो माफ कर दीजिएगा, कि हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं, मैंने जितने मंदिरों में इस्कॉन के देखा है वहां पे मोस्ट ऑफ श्री कृष्ण की मूर्तियां होती है, तो हरे रामा हरे कृष्णा में राम की मूर्तियां नहीं होती है, तो मेरा ज्ञान अधूरा हो सकता है, आप उस पर अगर कुछ छाया प्रकाश डाल। हाँ देखो, हाँ डेफिनेटली राम के विग्रह होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, कृष्ण के होते हैं मोस्टली। हम ऐसा देखते हैं,
इसके ये एक ऐसा ज्ञान जो है ना वो बहुत ही कई बार हमें विचित्र लगता है और कई बार बहुत ट्रिकी लगता है, जैसे राम पहले आए और कृष्ण बाद में है तो लोग क्या कहेंगे, जो पहले आए वो बड़ा, जो बाद में आए वो छोटा, होता ना ऐसा, राम जी पहले आए और कृष्ण बाद में है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है वो कहते हैं आदि पुरुष है। अच्छा, गोविंदाम आदि पुरुषाम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी जब कृष्ण भगवान ने उनको ज्ञान दिया, विष्णु जी ने, महाविष्णु ने, तो उन्होंने कहा गोविंदाम आदि पुरुषाम, कि गोविंद का धाम है वो आदि पुरुष है। आदि पुरुष का मतलब होता है जो सबसे ओल्डेस्ट होते हैं, तो कृष्ण जो है वो सबसे पुराने हैं और सबसे नवीन भी है। अच्छा, सबसे यंगेस्ट है और सबसे पुराने भी है। तो कृष्ण जो है वो सबसे आदि है और सबसे सुप्रीम है। तो जैसे आपने कहा राम का मतलब असल में क्या होता है, हम लोग सिर्फ राम का मतलब यही समझते हैं कि राम भगवान, दैट्स इट, पर ऐसा नहीं है। राम का मतलब क्या है, राम के अंदर उसके दो तीन डेफिनेशन हैं। जैसे राम का मतलब बलराम जी भी होता है, परशुराम जी भी होते हैं। हाँ। परशुराम भी एक भगवान के अवतार हुए, बलराम जी भी एक भगवान के अवतार हुए, और एक राम जी भी भगवान के नाम हुए। लेकिन द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट कि राम का जो मतलब है कि टू गिव प्लेजर टू अवर सेंसेस, हमारी इंद्रियों को जो आनंद देता है, जो सुख देता है, दैट इज कॉल्ड राम। तो ये राम का मतलब है, ठीक है। तो अगर हम और इसको आगे जाके देखें, हरि का मतलब होता है राधा, कृष्ण का मतलब कृष्ण भगवान, राम का मतलब बलराम, परशुराम और राम भी। हम कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, हम राम को प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी जितने भी अवतार हैं उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण और राम की हमें सेवा में लगाए, ठीक है। और राम को एक यहां पे ये भी मतलब है जो वो वाले राम जो हमें इंद्रियों को आनंद देते हैं, सुख देते हैं। तो इसलिए राम जो है, राम का मतलब यहाँ पे एक हमें इंद्रियों को आनंद देना भी है, और सिर्फ राम अवतार मतलब नहीं है यहाँ पे, राम बलराम जी भी यहाँ पे आ जाते हैं, परशुराम जी भी आ जाते हैं, और राम जी का जो अवतार है वो भी आ जाता है। तो ये सब भगवान के ही नाम है, तो उनको ग्लोरीफाई करते हैं ताकि हम भगवान की सेवा में लग सके, और जो हमारी इंद्रियों को असल में सुख देते हैं, क्योंकि इस संसार की जितनी भी चीजें हैं स्टार्टिंग में सुख देती हैं पर धीरे धीरे जाके वो कष्ट में परिणित हो जाती है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि इस संसार के सुख ऐसे हैं, स्टार्टिंग में अमृत लगते हैं, धीरे धीरे जहर में बदल जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं दूसरी तरफ कि भक्ति ऐसी है, स्टार्टिंग में लोगों को जहर जैसी लगती है, कष्ट लगता है, क्या है बैठे रहेंगे, बोर हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे लगते हैं वो अमृत में बदल जाते हैं। इसलिए राम का मतलब जो है, जैसे आप कृष्ण को समझते हो कि कृष्ण ब्रजवासी जो ब्रज में थे, वृंदावन में, लेकिन कृष्ण का जैसे राम का मतलब है, वैसे कृष्ण का भी एक मतलब है। अच्छा। कृष्ण का मतलब है द ऑल अट्रैक्टिव, जो सबसे आकर्षक है, उसे कहा गया है कृष्ण। एक मीनिंग है, जैसे राम का मीनिंग है कि जो हमारे इंद्रियों को आनंद देते हैं। इसलिए जो इस्कॉन है वो कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, जिसके अंदर सभी भगवान आ जाते हैं, वो उनकी जो पूजा है वो उनको मान्यता देते हैं, उनकी करते हैं। राम जी के साथ कोई विरोध नहीं है, राम जी के साथ पूरा प्रेम है, पूरी रिस्पेक्ट है, और इवन कई टेंपल में राम जी के भी मंदिर, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी। हाँ। हमारा एक उदमपुर मंदिर है J&K में, और वहां पे राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी के विग्रह हैं। ऐसे और भी कई जगह पे इस्कॉन के टेंपल हैं जहाँ पे राम जी के विग्रह भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी है कि ऐसे राम कृष्ण जी के हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हाथी के पांव में सभी का पांव। अगर कृष्ण की पूजा कर ली, कृष्ण ने गीता में कहा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं के बजाय अगर आपने सिर्फ मेरी कर ली तो सभी की हो जाएगी। अगर जड़ को पानी दे दिया सभी पत्तों को मिल गया, अगर पेट को खाना दे दिया सभी अंग जो है पोषित हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर कृष्ण की पूजा कर ली तो उसमें सभी की पूजा हो जाती है। यहाँ पे हम जब आरती करते हैं तो कुछ स्टेप डांस का प्रॉपर फॉलो करते हैं, मन आनंदित हो जाता है और हम सब झूमने लगते हैं, तो वो कोई फिक्स स्टेप होता है या फिर भक्त अपने? फिक्स स्टेप तो नहीं ऐसे होते, लेकिन एक शिष्टाचार होते हैं, शिष्टाचार, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन तरीके से अगर हम कुछ शिष्टाचार दिखाएं तो वो सभी को अच्छे भी लगते हैं। हाँ। देखो अगर कोई अपने मनगढ़ तरीके से उल्टा पुल्टा इधर उधर नाचेगा
तो उसको लोग देखने से भी अच्छा नहीं लगता और प्रभावशाली नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग एक स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो अच्छे भी लगे और बहुत आनंद से प्रसन्नता के लिए हो, हाथ ऊपर करके। और महाप्रभु जब इस संसार में आए तो वो ऐसे हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण, और वैसे वो भी नाचते थे। तो इसलिए हम भगवान का ही उनके अनुसार हम भी यहाँ फॉलो करते हैं, और एक अच्छे तरीके से हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। नहीं तो कई बार कुछ लोग ऐसे करते हैं और घूमते हैं, उससे किसी को चोट लग जाती है, कोई पकड़ के किसी को उछाले, कई जगह पे ऐसे होता है। लेकिन हम लोग ये सब चीजों को रोकते हैं और एक प्रेम पूर्वक सभी को मिलके अच्छे तरीके से नृत्य के जो स्टेप है उस तरह से करें, सभी को अच्छा भी लगता है और हमें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो गौर महाराज जी से बात करके हम खुद भी एक आनंद अनुभव करते हैं, और जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 3 प्रोग्राम होते हैं, तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो प्रोग्राम हम फिर से कास्ट कर पाए और आपसे मिल पाए। तो आपने जो समय दिया और जो ज्ञान दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, और जो आपने मेरे को ज्ञान पे जो प्रकाश डाला है उसके वजह मैं आपको बहुत जोड़ हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।